कांग्रेस सरकार जाते जाते घोषणा करती है, लेकिन भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद विकास कार्य की घोषणा करती है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिरमौर प्रवास के दौरान से कहते नजर आ रहे हैं। जिला सिरमौर के प्रवास पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने संबोधन में बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सरकार यानी राजा वीरभद्र की सरकार जाते जाते खाली घोषणाएं करती थी, लेकिन भाजपा सरकार आते आते काम करती है। हालांकि जिला सिरमौर में रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से ना तो भाजपा का विधायक है और ना ही हिमाचल प्रदेश सरकार में बोर्ड और निगम में किसी की ताजपोशी की गई है। श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में कई भवन और परियोजनाएं साथ ही सड़कें भी उद्घाटन के लिए तरस गई हैं। घोषणा की झड़ी लगाने के बाद धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। यदि सिरमौर जिले का आंकलन करें तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक और मंत्री, लोकसभा सांसद एवं बोर्ड और निगम में ताजपोशी हुई है, लेकिन श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र को बोर्ड और निगम में नजरअंदाज किया जा रहा है। गौरतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मत लीड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई और वहीं हाल ही में पंचायती राज के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काफी संख्या में जीते। जिला परिषद से श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र जिला परिषद वार्ड संगड़ाहा 2 और ददाहू वार्ड नंबर 13 से भाजपा समर्थित सीमा कन्याल और सुरेंद्र सूर्या ने जीत हासिल की। श्री रेणुका विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली सीमा कन्याल को बतौर जिला परिषद अध्यक्ष का दायित्व मिला। यहां तक कि पंचायत समिति अध्यक्ष मेलाराम शर्मा को बतौर अध्यक्ष चुना गया। श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बड़ा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अंदरूनी मतभेद से ये सीट गंवानी पड़ती है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर YS परमार एवं प्रथम मुख्यमंत्री का श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र गढ़ माना जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार यदि किसी नए चेहरे को बोर्ड और निगम में ताजपोशी दिलाती है तो आगामी 2022 में विधानसभा चुनावों में विधानसभा सीट भाजपा की झोली में जा सकती है। रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन प्रक्रिया और शिलान्यास नहीं हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं। जब जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रवास जिला सिरमौर का होता है, वे अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हैं। मुख्यमंत्री हर बात कहते हैं कि कांग्रेस सरकार जाते जाते घोषणाएं करती है, लेकिन भाजपा सरकार आते आते घोषणा और काम करती है, जबकि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं।